नमस्कार प्रिय मित्रों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे यूट्यूब चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र की माने तो नीलम रत्न मेष, वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ, इन सात राशि एवं लगन वाले जातकों को राजयोग कारक होता है। इनके जीवन में नीलम पहनने से बहुत अच्छे मूवमेंट हो सकते हैं, लेकिन हमारा आज का सब्जेक्ट है कि नीलम रत्न धारण करने के उपरांत किस राशि वाले जातक को क्या लाभ होगा। मेष राशि वाले जातक के जीवन में नीलम पहनने के बाद क्या बदलाव आएंगे, वृषभ राशि वालों पर नीलम का क्या फर्क होगा, सातों राशि एवं लगन वाले जातकों के विषय में बृहत चर्चा आज की वीडियो में मैं करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, दोस्तों यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या बहुत अच्छी श्रेणी के गवर्नमेंट लैब सर्टिफाइड राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ से सभी प्रकार के रत्नों की अंगूठियाँ बनाकर सिद्ध पूजा पाठ करके देश विदेश में प्रोवाइड कराई जाती है। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए विषय को अविलंब आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के विषय में। मेष राशि से शनिदेव दसवें और ग्यारहवें स्थान के स्वामी होते हैं, कर्म स्थान और आय स्थान के स्वामी होते हैं। नीलम रत्न धारण करने से आपके कार्यक्षेत्र में आपको आश्चर्यजनक रूप से लाभ होगा ही होगा। चाहे आप व्यापारी हैं या आप नौकरी पेशे में हैं, दोनों परिस्थितियों में आपके कार्यक्षेत्र में आपका विस्तार होगा, आपका कार्य करने का तरीका बदलेगा, पिता का आपको सहयोग मिलेगा। राजनीति में है तो नीलम रत्न आपको अवश्य पहनना चाहिए। आपके कार्यों में लगातार बाधा है, काम बनते बनते अटक जाते हैं तो कर्म स्थान के स्वामी आपके शनि हैं, नीलम आपको वहां पर भी लाभ करेगा। साथ ही साथ में शनिदेव आपकी राशि से एकादश भाव के आय स्थान के स्वामी हैं तो आपकी इनकम पर इसका सीधा सीधा फर्क पड़ने वाला है। चाहे आप व्यापारी हैं या आप नौकरी पेशे में हैं, दोनों कंडीशन में आपको नीलम पहनना चाहिए। बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के विषय में। सबसे ज्यादा योग कारक नीलम रत्न वृषभ राशि एवं वृषभ लगन वाले जातकों को ही होता है। दोस्तों, आपकी राशि से शनिदेव नौवे और दसवें स्थान के स्वामी होते हैं। जन्म कुंडली के बारह खानों में नौवा और दसवा घर भाग्य स्थान माना जाता है तो नीलम आपके भाग्य को चमकाएगा, आपके कैरियर को ऊंचाइयों में ले जाने में नीलम पूर्ण रूप से सहायक होगा। यदि आपने अच्छी पढ़ाई कर ली है और आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में हैं तो आपको नीलम पहनना चाहिए। व्यापार में आप स्ट्रगल में हैं तो आपको नीलम पहनना चाहिए। आपकी योग्यता बहुत बढ़िया होने के बाद भी जीवन में आपको कोई बैकअप नहीं मिल रहा है तो आपको नीलम रत्न धारण करना चाहिए। नीलम रत्न आपके जीवन में भूमि, भवन, वाहन के योग बनाएगा, वैवाहिक जीवन आपका बहुत बढ़िया रहेगा और कुल मिलाकर के आपके कैरियर के लिए नीलम रत्न आवश्यक है। ज्योतिषी की सलाह से नीलम आपको जरूर पहनना चाहिए। मिथुन लगन एवं राशि वाले जातकों को भी नीलम भाग्य उदय करता है। शनिदेव आपकी राशि से अष्टम और नवम भाव के स्वामी होते हैं। अष्टमेश होने का थोड़ा सा दोष लगता है लेकिन भाग्य स्थान के स्वामी होने से नीलम की आपके जीवन में एक अच्छी खासी भूमिका होती है। नीलम आपके भाग्य को चमकाएगा। यदि आप मंत्र साधक हैं, आप साधना करते हैं, देवता में आपका भरोसा है तो मंत्र नीलम रत्न धारण करने से आपकी साधना पहले से कई गुना ज़्यादा सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी और गवर्नमेंट जॉब से लेकर के व्यापार में नीलम आपको लाभ करेगा। कन्या राशि से शनिदेव पांचवें और छठे घर के मालिक होते हैं। दोस्तों, यदि आप वैवाहिक जीवन में आपकी दिक्कत है, पर्सनल लाइफ में आपकी दिक्कत है, लव लाइफ में आपकी दिक्कत है, आपको 200% नीलम रत्न जरूर धारण करना चाहिए। आप एजुकेशन को लेकर स्ट्रगल में हैं, संघर्ष में हैं, आप अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं, आर्थिक दिक्कतें हैं या कंसंट्रेट आपका नहीं बन पा रहा है, आप एकाग्रता के साथ में अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो नीलम रत्न आपको जरूर पहनना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों की। तुला राशि एवं लगन से शनिदेव चौथे और पांचवें घर के स्वामी होते हैं। केंद्र और त्रिकोण
दोनों के स्वामी होने के कारण शनि आपकी जन्म कुंडली में महाराजयोग कारक हो जाते हैं। आप मकान नहीं बना पा रहे हैं, आप जमीन नहीं खरीद पा रहे हैं, आप योजनाओं के बाद फ्लैट नहीं बना पा रहे हैं, तो नीलम रत्न आपके जीवन में भूमि भवन वाहन तीनों का योग बनाएगा। आपकी लव लाइफ अनसक्सेस है, नाकामयाब है, तो आप नीलम पहनिएगा। आप एजुकेशन में कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप नीलम रत्न पहनिएगा। नीलम रत्न आपको बेहतर परिणाम इन विषयों में देगा। मकर लगन एवं राशि वाले जातकों के लिए कोई भी हेल्थ इशू है, आपको सबसे पहले नीलम रत्न ही पहनना चाहिए, चूँकि आपकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं और राशि स्वामी का रत्न व्यक्ति की ऐसे ही रक्षा करता है जैसे माँ अपने बेटे की रक्षा करती है। आपके हेल्थ इशू में, आपके एजुकेशन के मामले में या आपके नौकरी के मामले में, व्यापार के मामले में नीलम आपको हर जगह सपोर्ट करने वाला है। कुंभ लगन से शनिदेव आपके लगन के, आपकी राशि के और 12वें स्थान के स्वामी होते हैं, शारीरिक समस्याओं को दूर करेगा, घर परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा और कुल मिलाकर के लंबी यात्राओं से धन प्राप्ति के योग नीलम आपके जीवन में बनाएगा। तो दोस्तों यह थी सभी 7 राशियों को लेकर नीलम के विषय में कुछ संक्षिप्त चर्चा की किस राशि को नीलम क्या प्रदान करेगा। मैंने हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार आपको बताने का प्रयास किया और मैं कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते रहेंगे ऐसी ही छोटी छोटी पर बेहद शानदार जानकारियों के साथ निकट भविष्य में भी, वो भी मुस्कुराते हुए ऐसे। तब तक के लिए नमस्कार।